हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आइए डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 18 फेब। सो देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ हमें डिस्कस करनी है। पहली न्यूज़ देखिए, संडे को आती है संडे स्पेशल के नाम से। तो इसमें इस बार इन्होंने जिक्र किया है नौ नगर के एक्स महाराजा का, राइट। तो ये कह रहे हैं कि 80 साल पहले इन्होंने पोलिश, पोलिश का मतलब होता है पोलैंड में, इन्होंने कुछ चिल्ड्रेन की हेल्प की थी और ये कुछ नहीं बल्कि 1000 करीब थे। तो इन्होंने इन सबको स्कूल प्रोवाइड किया था, शेल्टर प्रोवाइड किया था, राइट, फूड प्रोवाइड किया था। तो ये जो बच्चे थे ये साइबेरियन कैंप से छुड़ाए गए थे, राइट, ये साइबेरियन कैंप से फ्री हुए थे। तो इनको इन्होंने इनकी काफ़ी हेल्प की थी। तो ये 1000 बच्चे अब ये गुजरात में, मतलब ये सारे जो जिंदा हैं इसमें से, तो ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये सारे विजिट करने वाले हैं फिर से गुजरात को, राइट। तो पहली बार देखिए 1940s में इन्होंने विजिट किया था जामनगर को। उसके बाद से कह रहे हैं कि ये हर साल ये करीब आते रहते हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि ये द मेमोरी ब्रिंग्स देम इंडिया अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। तो ये मेमोरी है जो उनको हमेशा इंडिया लाती रहती है, राइट। तो ये थी न्यूज़, मतलब एक तरीके से ये शो करता है इंडिया का एक जेनरस जो गेस्चर है उसको शो करता है, राइट। पढ़ते हैं आगे, देखिए एक हडल के नाम से द हिंदू ये इवेंट करा रहा है, दो दो दिनों का ये इवेंट है, राइट। थॉट एंक्लेव है एक तरीके से, बेंगलुरु में शुरू हुआ है। और ये जो है ये फॉर्मर मालदीवियन प्रेसिडेंट है मोहम्मद नशीद, इनको देख सकते हैं आप। तो ये कह रहे हैं कि सॉरी 1 मिनट, जो हडल है इसका मकसद ये है कि इसमें बोथ स्पीकर्स एंड ऑडियंस हैव द अपॉर्चुनिटी टू एम्ब्रेस न्यू आइडियाज, ठीक है, लिसन टू डाइवर्स व्यूज, री एग्जामिन प्रिजर्व पोजिशन एंड रिव्यू बायसेस, राइट। तो ये कह रहे हैं कि ये जो इवेंट है इसका मकसद ये है कि इसमें नए थाट्स, नए आइडियाज़ और डाइवर्स व्यूज़ को डिस्कस किया जाए, राइट। तो बहुत सारे इसमें अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई है। और अगली न्यूज़ देखिए, चाबहार विल बी गोल्डन गेटवेज, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। और आपको पता होगा ईरान के जो राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, वो इंडियन दौरे पे आए हुए हैं। तो इंडिया ईरान ने एग्री भी किया है, इंडिया ईरान एग्री टू मेक ट्रांजिट एंड ट्रेड द कोर ऑफ बाईलेटरल रिलेशन, राइट। तो इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है देखिए कि यूनाइटेड स्टेट को टेरिटोरियल, हमारी जो सोवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। तो यूएस का भी इन्होंने जिक्र किया और इन्होंने कनेक्टिविटी को बढ़ाने पे जोर दिया, ठीक है, वाया चाबहार पोर्ट। तो ये सारी डील हुई है। इसके अलावा कुछ और फील्ड्स हैं जैसे एनर्जी, बैंकिंग और काउंटरिंग टेररिज्म, राइट। तो इस पे भी कोऑपरेशन की बात हुई है। और इन्होंने देखिए कहा है कि आवर एग्रीमेंट्स एंड द फ्यूचर कोर्स ऑफ द एक्शन ऑफ द चाबहार एंड इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द चाबहार जेदान रेलवे, ठीक है ना। तो इंडिया ने चाबहार से, चूंकि इंडिया चाबहार जो है वो एक पोर्ट है, एक मिनट में आपको लोकेशन ही दिखा देता हूँ, हाँ देखिए यहाँ से समझ में आएगा। तो ये जो चाबहार है ये पोर्ट है चाबहार। तो चाबहार से जेदान देखिए ये है, ये रेल रूट है, राइट। तो इसका भी काम इंडिया, इसमें भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके कंस्ट्रक्शन में इंडिया हेल्प कर रहा है, तो इसी को कह रहे हैं ये। और ये चाबहार टू जेदान 1380 किलोमीटर है, ट्रेड कॉरिडोर टू बी कम्प्लीटेड इसको। और ये कह रहे हैं कि जेदान टू जरांज जो है, जेदान टू जरांज जो है ये कह रहे हैं कि लगभग कम्प्लीट हो चुका है। और जेरांज टू देलाराम यानी कि अफगानिस्तान को ये जो कनेक्ट करता है ये रूट 218 किलोमीटर का, ये भी कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो इसको ये अभी कंप्लीट किया जाना है। तो इसी से रिलेटेड ये बात कर रहे हैं कि इंडिया इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है इसको पूरा करने में, राइट। तो अगर ये पूरा हो जाएगा तो ये डायरेक्ट आप ट्रेड कर सकते हैं इवन अफगानिस्तान को भी चाबहार पोर्ट के ज़रिए, ठीक है। तो ये लोकेशन आप याद रखें। और ये ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का, जिसपे चाइना जिसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है, राइट। और ये गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, आगे बढ़े। तो अगली न्यूज़, 3 हेल्ड इन पीएनबी फ्रॉड केस। देखिए जो पीएनबी का जो घोटाला हुआ है उसमें ये कह रहे हैं कि 3 लोगों को पकड़ा गया है और 6 और जो बैंक ऑफिशियल्स हैं वो स्कैनर, सीबीआई के स्कैनर में हैं। तो देखते हैं और उसमें क्या होता है। इसके अलावा अगली लाइन देखिए, जीपीएस एक्सटेंडेड, जीपीएस इंस्टॉलेशन की जो डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया, राइट। तो ये अब तक 15 ऑफ फेब थी, अब 28 ऑफ फेब हो गई है, राइट।
और स्कूल मॉडल, ये भी हमारे लिए। ये देखिए कुतुब मीनार की एक खूबसूरत तस्वीर देख सकते हैं आप, और ग्रीन फॉर समर्थन लिख रहे हैं कि कुतुब मीनार लाइट अप इन ग्रीन फॉर समर्थन 2018, इवेंट ऑर्गेनाइज बाई मोहन फाउंडेशन वॉज हेल्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट आर्गन डोनेशन। ठीक है ना, तो आर्गन डोनेशन के लिए समर्थन 2018 थीम है, याद रखिएगा। और ये है डोनेशन के लिए, तो उस मौके पे इसको ग्रीन किया गया। इसके अलावा देखिए एनपीपीए ने जो ऑर्डर दिया था, जो भी स्टेंट की प्राइसेस के रेगुलेशन से रिलेटेड, तो उस पे हॉस्पिटल ने देखिए रिस्पांस अच्छा दिया है, और हॉस्पिटल ने कहा है कि इससे लोगों को अल्टीमेट जो फ़ायदा होगा वो लोगों को होगा और इमीडिएट फ़ायदा होगा, राइट। तो ये सारी डिटेल भी लिखी हुई है। देखिए पहले क्या होता था कि DES जो था अप टू 15,000 कास्ट का जो DES है, वो कह रहे हैं कि 1,35,640 ये इतने नंबर से ये इम्पोर्ट हुए 2017 में, ठीक है, और 1,10,289 ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इम्पोर्टेड DES डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है। तो परसेंटेज जो है टोटल सेल्स जो है वो कह रहे हैं 32% है, परसेंटेज ऑफ टोटल इम्पोर्ट ये है 34%, राइट। तो देखिए हमारे लिए एनपीपीए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ पे बॉडी है, एज ए बॉडी एनपीपीए आपको पता होगा कि एनपीपीए क्या करती है कि एसेंशियल मेडिसिन जो होती है उनके जो रेट का रेगुलेशन करती है, ठीक है, उनके रेट यही डिसाइड करती है। और इसके अलावा जैसे अभी स्टेंट का है तो इसके भी प्राइस के रेगुलेशन का काम ये अथॉरिटी देखती है, ठीक है। तो देखिए हॉस्पिटल्स ने कहा है कि गवर्नमेंट हैज़ आल्सो मेड इट मैंडेटरी फॉर हॉस्पिटल्स टू बिल स्टेंट सेपरेटली फ्रॉम सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। तो स्टेंट की जो बिल होगी वो हॉस्पिटल अब अलग से बनाएंगे सर्जिकल प्रोसीजर के अलावा, ठीक है। और पैकेज कॉस्ट, दिस ब्रिंग्स इन ट्रांसपेरेंसी एंड बेटर अकाउंटेबिलिटी। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी, राइट। तो क्योंकि इससे पता चल सकेगा कि उन्होंने स्टेंट जो है स्टेंट की कितनी कॉस्ट की है, ठीक है। और ये देखिए डॉक्टरों ने कहा है कि इससे क्या होगा, एंजियोप्लास्टी जो होगी वो मोर एसेसिबल हो जाएगी, और इससे जो है लोअर जो एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उनको हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का जो मकसद है इंटेंट जो है वो पास हो सकेगा बेनिफिशियरीज को, ठीक है। तो ये स्टेंट से काफ़ी हेल्प मिलेगी लोगों को, पहले काफ़ी महंगा पड़ जाता था ये, राइट। और यहाँ पे क्लासिफाइड को स्किप करते हुए बढ़ते हैं आगे। देखिए ITI जो अभी कुछ दिनों पहले से गवर्नमेंट ने शुरू की है, तो कह रहे हैं कि उड़ीसा में बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। एनरोलमेंट 84% ईयर ऑन ईयर कह रहे हैं कि बढ़ गया है, राइट। तो गर्ल्स के एनरोलमेंट में भी 12.1% पिछले साल के कंपेयर में बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ है ये, राइट। तो बाकी डिटेल देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि 49 जो अभी फंक्शनल ITIs हैं वहाँ पे 22 और ITI बनाए जाने हैं, राइट। लेकिन मतलब इसका मकसद जो था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है, राइट। और ये एक तस्वीर है लखनऊ में एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन की, वहाँ पे साइज देख सकते हैं मूली की आप, राइट। और ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है आज भी, वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं। हाँ ये देखिए महामस्तक अभिषेका, ये हमने कई बार डिस्कस किया था, तो एनॉइंटिंग सेरेमनी चल रही है, राइट। 57 फुट ये मोनोलिथिक स्टैचू है लॉर्ड बाहुबली की, और ये कहाँ पे है, शरवण बेलागोला कर्नाटका में, राइट। तो 12 साल में एक बार ये मनाया जाता है, और ये जैंस का महाकुंभ कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि महाकुंभ मेला जो होता है वो भी 12 साल में एक बार ही मनाया जाता है, राइट। तो ये कह रहे हैं कि ये 25 फरवरी तक ये चलेगा, और ये जो अलग अलग पिक्चर्स के कलर देख सकते हैं, तो ये जो अभिषेक हो रहा है तो इसमें देखिए दूध मिल्क का अभिषेक है, फिर मेडिसिनल हर्ब्स टर्मेरिक, राइट, फिर वर्मिलियन, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के अभिषेक का ये अलग अलग फोटो है। तो आप ये, मुझे लग रहा है कि ये इस बार बहुत ही कई दिनों से ये न्यूज़ में है, बना हुआ है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा महामस्तक अभिषेक का 12 साल में एक बार होता है, 57 फुट मोनोलिथिक स्टैचू है लॉर्ड बाहुबली की, लाइट, कर्नाटका के श्रवण बेलागोला में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। और अगले देखिए राजस्थान टू गेट इट्स फुल शेयर ऑफ यमुना वाटर,
तो डिस्प्यूट था इनका हरियाणा के साथ, उसको कह रहे कि रिजॉल्व कर लिया गया है। और राजस्थान जो है अब 1.119 बिलियन क्यूसेक ऑफ वाटर ये पा सकेगा, ठीक है। तो एलोकेटेड 9% थ्रू दो राजस्थान वाज एलोकेटेड 9% शेयर इन यमुना वाटर, द डिजर्ट स्टेट वाज नॉट गेटिंग इट इवन वेन एक्सेस वाटर वाज अवेलेबल इन द रिवर बिटवीन जुलाई एंड अक्टूबर, ठीक है। तो ये इन लोगों के बीच डिस्प्यूट था, देखिए तो फाइनली ये रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। और ये एलोकेशन भी हमने डिस्कस कर लिया, 9% करीब इनको मिलेगा। ये देखिए सेक्स रेशियो से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाई है कि सेक्स रेशियो में काफ़ी एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ ये है कि ये बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये 17 लार्जर जो स्टेट है उनमें ये कम होता गया, और गुजरात की सिचुएशन तो बहुत ही वर्स्ट है, 53 पॉइंट्स डिप्स कर गया है गुजरात में, ठीक है। तो ये देखिए सेक्स रेशियो सॉ डिक्लाइन इन 17 आउट ऑफ द 21 लार्ज स्टेट, गुजरात रिकॉर्डिंग एन अलार्मिंग 53 पॉइंट्स, राइट। तो गुजरात ने जो ये 907 हुआ करता था अब 854 हो गया है। इसके अलावा फिर ये ड्रॉप जो हो गया करीब 53 हो गया, 53 पॉइंट्स का ड्रॉप देखने को मिला है गुजरात के बाद। देखिए हरियाणा भी है, हरियाणा में भी 35 पॉइंट का डिप मिला है, राजस्थान में 32 का मिला है, उत्तराखंड में, यानी कुल मिला जुला के जो हमारी सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है सेक्स रेशियो के केस में, राइट। तो अभी भी हमारे वहाँ हालांकि बहुत सारे योजनाएं चलाई गई, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, राइट, इस टाइप से। और ये जो एक एक्ट है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, इसको भी लाया गया है ताकि, क्योंकि इससे सेक्स का पता चल जाता था मेल फीमेल, राइट। लेकिन फिर भी सेक्स रेशियो घटता ही जा रहा है, इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। शटडाउन पैरालाइज लाइफ इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर पंचायत पोल कॉल्स ऑफ, ये अरविंदर सिंह लवली रिज्वाइन कांग्रेस। देखिए त्रिपुरा में आज इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ की 60 सीटें हैं, 60 सीट्स हैं जिसमें 30 जनरल, 20 रिजर्व, 10 20 ST के लिए है, 20 SC, 10 SC के लिए, ठीक है। 2,25,00,000, राइट, 25,73,470, ये टोटल वोटर्स हैं, राइट, ये पूरी डिटेल लिखी हुई है। और ED सीजर्स 25 करोड़, देखो जो PNB फ्रॉड केस था उसमें 25 करोड़ रुपये का एसेट ED ने सीज किया है। और क्या है इसमें, तो ये देखिए जो हडल जो अभी हमने इवेंट डिस्कस किया उसका ही ये उसकी तस्वीरें हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, राइट। तो इसमें देख सकते हैं मोहम्मद नशीद इसमें है, फरहनाज, श्रीलंकन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इसके अलावा ये इसका इनाग्रेशन हो रहा है, राइट। सचिन तेंदुलकर को भी देख सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू, तो ये लोग सारे इसका हिस्सा थे, सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक है। देखिए संडे को आता है हु व्हाट वाई वेन, तो इसमें साइरल रामाफोसा जो अब अफ्रीका के राष्ट्रपति बन गए हैं जैकब जुमा को हटा के, ये उनके बारे में डिटेल है, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिन्यूअल के बारे में भी न्यूज़ है, इस ये भी न्यूज़ ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये स्टेट से रिलेटेड ये न्यूज़ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्यों जो NPPA ने, देखिए अभी जो रेगुलेशन हुआ है इनके दामों में, तो इसमें DES जो होता है उसके दाम को इन्होंने क्या किया है, 29,600 से 27,000, 2,000 रुपये इन्होंने कम किए हैं, राइट। लेकिन जो बेयर मेटल स्टेंट होता है उसका दाम थोड़ा सा बढ़ाया है, 7,400 से 7,660 कर दिया है, राइट। तो 2,060 रुपये करीब इसमें बढ़ा है, लेकिन इसमें 2,000 रुपये की कमी आई है DES में, राइट। तो इसको भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, तो ये भी न्यूज़ अच्छी होती है। इसके अलावा ये सारी हमारे लिए काम की नहीं है, ये बुक्स वगैरह से रिलेटेड होती है, ये बुक जो है काफ़ी फेमस है, देखिए आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, वाई आई एम हिंदू, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई बुक है, राइट। और ये देखिए रोजर फेडरर जो है ये कह रहे हैं कि ये फिर से नंबर 1 बन गए हैं, और ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 में ये फिर से रोजर फेडरर
नंबर वन हो गया, राइट। तो रोजर फेडरर बिकम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर वन ऑन फ्राइडे व्हेन 20 टाइम्स ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ द रोटरडम ओपन, राइट। तो ये है, इसके अलावा ये सारी न्यूज़ जो है ये स्पोर्ट्स की। तो दैट्स इट टुडे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।